क्वेश्चन नंबर वन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर सनलाइट टू प्रिपेयर इट्स फूड। इनमें से किसको अपने भोजन को बनाने के लिए सनलाइट की जरूरत पड़ती है? ए डॉग, बी कैट, सी प्लांट, डी फ्रॉग। करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी प्लांट। प्लांट को अपना भोजन बनाने के लिए सनलाइट की जरूरत होती है, सनलाइट में ही वो अपना भोजन को प्रिपेयर करते हैं। क्वेश्चन नंबर टू, वाटर इज द हैबिटेट फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट। ए लोटस प्लांट, बी कैक्टस प्लांट, सी बबुल प्लांट, डी सुगर प्लांट। करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए लोटस प्लांट। हाय गाइस, आई एम नीतू निगम एंड वेलकम टू माय चैनल माय पाठशाला बाय नीतू निगम। आज मैं आपके लिए क्लास थर्ड सिल्वर जोन ओलंपियाड से इंटरनेशनल टैलेंट हंट ओलंपियाड के सैंपल पेपर एंड सिलेबस लेकर आई हूँ। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहती हूँ कि क्लास फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड के सिल्वर जोन के सभी सब्जेक्ट के अलग अलग मैं वीडियो बनाकर डालते जा रही हूँ। आप जिस भी क्लास में जिस सब्जेक्ट से ओलंपियाड की जानकारी चाहते हैं, उसके सैंपल पेपर और सिलेबस देखना चाहते हैं, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में इसकी प्लेलिस्ट दी हुई है, उसे एक बार अवश्य चेक करें। चलिए आगे इसके हम सिलेबस देख लेते हैं। इंटरनेशनल टैलेंट हंट ओलंपियाड में तीन सब्जेक्ट को इंक्लूड किया गया है, साइंस, मैथमेटिक्स एंड रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड। इन तीनों सब्जेक्ट से क्वेश्चंस मिलाकर पूछे जाते हैं। साइंस में हो जाता है एनिमल किंगडम, प्लांट किंगडम, ह्यूमन बॉडी, मैटर, इन्वायरमेंट, मोशन एंड ट्रांसपोर्ट, आवर यूनिवर्स। इन सभी से 10 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, पर क्वेश्चन 3 मार्क्स, तो टोटल 30 मार्क्स के इससे क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट मैथमेटिक्स में हो जाता है ऑपरेशन ऑन नंबर्स एंड इंट्रोडक्शन टू फ्रैक्शन, लेंथ, वेट एंड कैपेसिटी, मनी, टाइम, जियोमेट्रिकल सेव एंड डेटा हैंडलिंग। इससे टोटल 10 क्वेश्चंस होते हैं, पर मार्क्स 3 नंबर्स के क्वेश्चंस रहते हैं, तो टोटल मार्क्स 30। तो मैथमेटिक्स से भी 30 क्वेश्चंस हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा सेक्शन हो जाता है रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, जिसमें आपका सिलेबस है एनालॉजी, पैटर्न, ऑड वन आउट, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन टेस्ट, अरेंजमेंट, रैंकिंग टेस्ट, मिरर एंड वाटर रिफ्लेक्शन एंड सेव। इससे भी टोटल 10 क्वेश्चंस हो जाते हैं, पर इच क्वेश्चन मार्क्स 4 हो जाते हैं, सो टोटल मार्क्स 14। तो इस प्रकार टोटल नंबर्स ऑफ क्वेश्चंस 30 रहते हैं, जबकि मार्क्स 40 मार्क्स के क्वेश्चंस रहते हैं, और ड्यूरेशन 40 मिनट्स का रहता है इसकी, 30 क्वेश्चंस एंड 40 मिनट्स का ड्यूरेशन रहता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम 3 देखते हैं। Identify the deer from the following choice. इसमें से आपको बताना है कि डियर का इमेज कौन सा है, ए बी सी या डी। करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, दिस इज डियर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लैनेट। इनमें से कौन एक प्लैनेट नहीं है, क्वेश्चन नंबर 4। ए अर्थ, बी कॉम्प्ट, सी मरकरी एंड डी जुपिटर। करेक्ट आंसर है कॉमेट एक जो है प्लैनेट नहीं है, जबकि अर्थ, मरकरी एंड जुपिटर इज अ प्लैनेट। अर्थ, मरकरी एंड जुपिटर आर प्लैनेट, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, इफ 542 चेयर आर अरेंज 12 equals row, then find the total numbers of chair each row. इसमें अगर सभी चेयर को हम इस प्रकार रो में डालते हैं तो कितने चेयर्स रो बनेंगे, एंड फाइंड नंबर ऑफ चेयर इन ईच रो, और ईच रो में कितने चेयर रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए 46। इसको हम इस प्रकार देख सकते हैं, 46 इंटू 12 को हम मल्टीप्लाई करेंगे, ये हमारा 552 आंसर आएगा। सो इस प्रकार करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए।
46. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 हम देखते हैं. What time does the following watch show? इस वॉच में कौन सा टाइम शो हो रहा है? A 4:40, B 3:20, C 3:40 एंड D 5:20. करेक्ट आंसर हो रहा है ऑप्शन सी 3:40. इसमें टाइम हो रहा है 3:40. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर इन क्लास टेस्ट राखी सिक्योर 10 मोर मार्क्स देन निधि. क्लास टेस्ट में राखी को निधि से 10 मार्क्स ज़्यादा मिले हैं एंड निधि सिको 5 मार्क्स देन द पासिंग मार्क्स. और निधि जो है पासिंग मार्क्स से ज़्यादा 5 मार्क्स ज़्यादा लाई. इफ पासिंग मार्क्स इज 25, यदि पासिंग मार्क्स 25 है तो हाउ मे डिड राखी सिको. तो राखी ने कितने मार्क्स मिले राखी को, तो चलिए इसको हम देख लेते हैं. पासिंग मार्क्स है हमारा, पासिंग मार्क्स है हमारा 25 और निधि को क्या मिल रहा है, पासिंग मार्क्स 25 है एंड निधि सिक्योर 5 मार्क्स मोर देन पासिंग मार्क्स. तो इसलिए 25 प्लस 5 30 हो गए एंड देन राखी को 10 मार्क्स निधि से ज़्यादा मिले हैं. तो निधि को 30 मार्क्स मिले हैं तो इसलिए राखी को मार्क्स कितने मिलेंगे, 30 प्लस 10 इज इक्वल टू 40. सो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, हाउ मच मार्क्स डिड राखी, राखी कितने मार्क्स मिलेंगे राखी को, तो राखी को मार्क्स 40 मिलेंगे. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 हम देख लेते हैं. गेस द नंबर इन वर्ड बाय काउंटिंग द बिट्स. बिट्स के अकॉर्डिंग ये कितने नंबर्स हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे कितने हो रहे हैं, 1, 2, 3, 4, 5 ये नंबर हो गए यहाँ पर 500. टेंथ पोजिशन पे हो जा रहा है 1, 2, 3, 4 तो यहाँ पे हो रहे हैं टेंथ पोजिशन पे 4 और यहाँ पे कितने हो रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 यहाँ पे हो रहे हैं 6 तो 546. तो 546 ऑप्शन बी में है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. हॉट एंड कोल्ड एज सर्टन रिलेशनशिप. फाइंड विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स हैव द सेम रिलेशनशिप. जिस प्रकार हॉट एंड कोल्ड एक सर्टन निश्चित रिलेशनशिप को बता रहा है उसी प्रकार इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो सेम रिलेशन बताता है, हॉट एंड कोल्ड मतलब अपोजिट रिलेशन बता रहा है. तो ऑप्शन ए बी एंड टेल दोनों का मतलब बड़ा होता है, नहीं. बड़ा और लंबा, बी लॉन्ग एंड टेल, नो. हग एंड लार्ज, नहीं, दोनों बड़े चीज़ों के लिए यूज होता है. एंड डी थीन एंड फैट, इन पतला और मोटा. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी थीन एंड फैट. फाइंड द ऑड वन आउट, इसमें से कौन ऑड वन आउट है. तो चलिए इसको हम समझ लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 10. ए बी, अब ए से एल तक के हम पूरे नंबर यहाँ पर हम लिख लेते हैं और फिर इसको समझते हैं कि ऑड वन आउट क्या है. ए है, ए के बाद जो है इसमें कौन सा हो रहा है, ए बी सी, ठीक है. फाउंड आउट डी, फिर डी के बाद हो जा रहा है ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल. अब यहाँ पर ए नंबर यहाँ पर आ रहा है, ठीक है, और आई यहाँ पर आई आ रहा है और ई आ रहा है यहाँ पर,
और एल आ रहा है यहाँ पे। तो आई के दो नंबर, तीन डिजिट, आई के तीन डिजिट छोड़ने के बाद हमारा डी आ रहा है, डी के तीन डिजिट छोड़ने के बाद आई आ रहा है, जबकि एल जो है हमारा आ रहा है दो डिजिट छोड़ने के बाद, जे और के छोड़ने के बाद एल आ रहा है, इसीलिए ऑड वन आउट है ऑप्शन बी एल। सो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो। इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियो के लिए हमारे चैनल पर बने रहें और प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। थैंक यू।